No, sadly this time you will not see Deepika Padukone in Imtiaz Ali's next venture. दीपिका को आपने इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल में सैफ अली खान के ऑपोजिट देखा है एंड देन रणबीर कपूर के साथ तमाशा में, और दोनों ही फिल्म में शी हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर हर ब्यूटी एंड फॉर हर परफॉर्मेंस एज वेल. बट इसके बावजूद इम्तियाज डजंट वांट टू कास्ट हर इन हिज नेक्स्ट फिल्म एंड ही हैज डिसाइडेड ऑन अनुष्का शर्मा. इस फिल्म में शाहरुख खान होने वाले हैं और उनके ऑपोजिट इम्तियाज वांट्स अनुष्का, नॉट दीपिका. एंड द रीजन इज, उनका कहना है कि दीपिका को शाहरुख के साथ पहले भी दो फिल्मों में लोगों ने देख लिया है, सो द रोमांस वुडंट बी दैट फ्रेश. जबकि अनुष्का को किंग खान के साथ बस एक ही बार देखा गया है, तो उनकी जोड़ी कुछ नई होगी और रोमांस कुछ फ्रेश होगा. आपको ये भी बता दूं कि तमाशा के लिए पहले अनुष्का को अप्रोच किया गया था, बट देन व्हेन शी सेड नो, तब ये रोल दीपिका को ऑफर किया गया. नाउ इम्तियाज का ये फ्रेश रोमांस एंड ऑल बस एक बहाना ही लगता है मुझको तो, एज ही वॉज लॉन्गिंग टू वर्क विद अनुष्का, है ना. बट यू टेल मी, शाहरुख खान के ऑपोजिट कौन बेस्ट लगेगा, दीपिका या अनुष्का? लीव योर कमेंट्स बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू टॉकिंग सिनेमा.